मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण को लेकर संवेदनशील है। बाघ संरक्षण के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चित्रकूट के रानीपुर में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का निर्णय लिया जा चुका है। यह टाइगर रिजर्व बहुत जल्द अस्तित्व में आने जा रहा है। सीएम योगी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रदेश सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से योगी राजबाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित अंतर सीमावर्ती सहयोग कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। बाघ संरक्षण हेतु आयोजित इस कार्यशाला में वर्चुअल माध्यम से लखनऊ से जुड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि वेदों और प्राचीन ग्रंथों की चर्चाओं में भी बाघ का वर्णन मिलता है। अपने देश में 1973 में इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए सेव टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने समय से पूर्व 2018 में ही सेव टाइगर के लक्ष्य को पा लिया। सीएम ने बताया कि राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 2006 में 106 थी और 2018 में बढ़कर 173 हो गई। बाघों की नई गणना के जब परिणाम आएंगे तो यह संख्या करीब 200 होने का अनुमान है। रानीपुर में टाइगर रिजर्व की चर्चा के साथ गोरखपुर चिड़ियाघर का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर के प्राणी उद्यान में सफेद बाघ आया है, इससे गोरखपुर वासियों को इसके संरक्षण का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन और बाघ एक दूसरे के नैसर्गिक संरक्षक हैं। महाभारत के एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बाघों के बिना वन का अस्तित्व संभव नहीं है और ना ही बिना वन के बाघ रह सकते हैं। वन की रक्षा बाघ करते हैं और बदले में वन उनकी रक्षा करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पीलीभीत, दुधवा और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बाद रानीपुर में टाइगर रिजर्व के अस्तित्व में आने से प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र 3,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो जाएगा, जो प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्रफल का 21% होगा। शुक्रवार सुबह एक ट्वीट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर पशु प्रेमियों व प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि साहस व सामर्थ्य के अप्रतिम प्रतीक राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के प्रति अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित कार्यशाला में प्रदेश के वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि जल्द ही गोरखपुर चिड़ियाघर को एक और सफेद बाघ की सौगात मिलेगी। एक सफेद बाघ मादा बाघ गीता को लखनऊ चिड़ियाघर से यहां पहले ही लाया जा चुका है। दूसरा सफेद बाघ चेन्नई चिड़ियाघर से लाया जाएगा। इस अवसर पर विभाग के राज्य मंत्री केपी मलिक ने कहा कि नागपंचमी के दिन गोरखपुर चिड़ियाघर में नाग देवता कोबरा का दर्शन करने के लिए टिकट शुल्क में 50% की रियायत दी जाएगी। कार्यशाला को वर्चुअल मोड में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा, सांसद रवि किशन शुक्ला ने भी संबोधित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा, सुविधा पूर्ण जीवन के लिए
रखो, मोबाइल को जीवन मत बनाओ, ठीक है? तो आएगी, आप बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? और अभी तो वैसे भी अच्छा मतलब है, किसी को आप कहीं भी हो, है ना, लाइफ मिल जाए। लोगों की प्रतिक्रियाओं के प्रति इतना ज्वर नहीं, तक लोगों की प्रतिक्रियाओं को महत्व दीजिए, उनसे वाहवाही पाने के लिए लाइक पाने नहीं। और माननीय राज्य मंत्री वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं जंतु उत्पत्तियों के साथ आगमन हो गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, बाहर ODOP और बैंगलोर मिशन की प्रदर्शनी लगी है, और जितने बच्चों ने विशिष्ट अतिथि मंच पर बता रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ अपने प्रणाम आप उन तक पहुंचाएं। आपकी तालियों की आवाज से भविष्य के लिए नागरिक कितने संवेदनशील और सचेत हैं। सभी से अनुरोध है कि अब अवस्थित हो जाएं, पहले अपने स्थान पर बैठकर। तथा आप सभी का आज के इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित बाघ संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की हृदय से बधाई। आज से 12 वर्ष पूर्व दुनिया के 13 व्याघ्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। इसके पीछे पिछले 150 वर्षों की वह कहानी है जिसमें 95% बाघ दुनिया से लुप्त हो गए थे। पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। बाघ के संरक्षण हेतु व्यापक जागरूकता के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हम सब जानते हैं कि भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के सशक्त वाहन के रूप में बाघ को हम प्राचीन काल से मान्यता देते रहे हैं। हमारे वेदों में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में महात्मा बुद्ध से जुड़ी चर्चाओं में भी बाघ का वर्णन मिलता है। महाभारत में तो ये कहा गया है, निर्वनो बध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम छेद्यते वनम तस्माद् व्याघ्रो वनम रक्षे वनम व्याघ्र च पालये। अर्थात बिना वन के बाघ का वध हो जाता है और बाघ रहित वन भी काट दिया जाता है, इसलिए बाघ
आपको चाहिए कि वन की रक्षा करें और वन को चाहिए कि अपने अंदर बाघ को संरक्षित करें। वन संरक्षण में बाघ की भूमिका के दृष्टिगत वर्ष 1973 में इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित महासम्मेलन में वर्ष 2022 तक दुनिया के बाघों की संख्या को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पर्यावरण के प्रति उनकी चिंताओं को देखते हुए भारत ने समय से पूर्व अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और 2018 में ही हम इसे प्राप्त कर लिए। महासम्मेलन की तिथि पर भारतवर्ष में बाघों की संख्या 1411 थी, जो 2018 में 2967 तक पहुंच गई। इसमें उत्तर प्रदेश की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की प्रारंभिक संख्या 25 से बढ़कर 67 हो गई, जिसके लिए इस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय T2 पुरस्कार दिया गया। राज्य स्तर पर बाघों की संख्या में भी उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2006 में बाघों की संख्या 106 थी, जो वर्ष 2018 में 173 हो गई। 2022 के परिणामों में उत्तर प्रदेश बाघों की संख्या में और भी वृद्धि संभावित है। प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से वर्तमान में हमारे राज्य के दुधवा व पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा कार्वे टाइगर रिजर्व को बफर क्षेत्र में अमानगढ़ बाघ संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत शीघ्र इस श्रृंखला में रानीपुर टाइगर रिजर्व भी अस्तित्व में आने जा रहा है। इसके अस्तित्व में आने पर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 3,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र आ जाएगा, जो प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्रफल के 21% से अधिक होगा। प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर के अस्फाउल्लाह खां प्राणी उद्यान में अभी हाल ही में एक सफेद बाघ का आगमन हुआ है। एक और बाघ इस प्राणी उद्यान को जल्द ही प्राप्त होगा। इससे गोरखपुर वासियों को भी बाघ के संरक्षण का अवसर प्राप्त होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के प्रतिनिधि भी इस क्षेत्र में बाघ संरक्षण पर संयुक्त चर्चा के लिए पधारे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। बाघ के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इस प्रकार के आपसी सहयोग में सफल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, आइए बाघ जब उसके प्राकृतिक वास के संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण में हम सब मिलकर के अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद। तो से धन्यवाद कि महाराज जी इतना बड़ा सपना पसवा खुला इस बाघ को खोल के चिड़ियाघर को किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और नेपाल से लेके बिहार, पूर्वांचल, गोरखपुर सब लोग इस जू की तरफ, इस पार्क की तरफ बड़े आकर्षित हैं। कारण है कि अमर, आप पूछेंगे अमर क्या है, तो आज बाघ दिवस है। अमर हमारे पार्क का, हमारे चिड़ियाघर का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा जानवर है, जिसको देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं। दूसरी हमारी जो सबसे सुंदर है और गीता वो सफेद बाघिन है, जिसको देखने के लिए आज समस्त भारत में उनकी चर्चा है, क्योंकि वो बड़ी स्वस्थ है और मैलानी।
तो दो मादा है, एक बाघ है, अमर अमर को देखने के लिए अट्रैक्शन है, हर सारी भीड़ आ रही, बच्चे आ रहे हैं। तो मैं सभी को वन विभाग वाले के जितने कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद, खासकर डायरेक्टर महोदय को, कि आप लोगों का सेहत का ध्यान दे रहे हैं, विच इज महाराज जी और सुबह यशस्वी। प्रधानमंत्री मोदी जी यही चाहते हैं कि हम अपने जानवरों के, हमारे प्राणियों की रक्षा करें, बाप को ज़्यादा बढ़ाएं, और उसी पक्षियों पर चल के पूज्य महाराज जी ने भी इस बड़े पार्क का उद्घाटन किया और इसको देखा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं नहीं आ पाया चूँकि मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ, आप देख रहे हैं ये पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल है। लंदन करें, ये नेपाल और भारत की मैत्री की मिसाल है, हर क्षेत्र में हम साथ साथ का। आप सब जो उत्तर प्रदेश बट समस्त टाइगर रेंज कंट्रीज, 13 देश हैं जहाँ पे बाघ वाइल्ड टाइगर्स प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हैं, उनके लिए महत्व रखता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने कई ऐसे कदम हाल में लिए हैं जो अन्य देशों में, अपने देश में भी नहीं और अन्य देशों में भी नहीं है, इसलिए बहुत सराहना के पात्र हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए। एक जो बात मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट है, आबादी बहुत है, यानी लगभग 18% हमारे देश की आबादी इस प्रदेश में है और 10,000 से भी ऊपर यहाँ पे गांव और वन्य प्राणियों से भी बाहुल्य क्षेत्र है। इंडो गैंगेटिक प्लेन गंगा बहती है कई जिलों से, उसके इर्द गिर्द जो जन साधारण सामान्य जो रहते हैं, तो ह्यूमन जो कई लोगों ने विशिष्टियों में बताया, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो मानव वन्य जीव का जो इंटरफेस है बहुत संवेदनशील, और इसको ध्यान में रखते हुए ये सरकार एकमात्र सरकार है विश्व में जिसने नेचुरल डिजास्टर के यानी प्राकृतिक आपदा के कैटेगरी में वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को डाला है। वन विभाग उत्तर प्रदेश के साथ ये एमओयू साझेदारी में ही संभावनाएं हैं, जैसा कि उनके प्रतिनिधि ने कहा। पर मैं स्पिरिट में आप सबके साथ हूं। आज बाघ दिवस है और बाघ का महत्व हमारी धरती के लिए, इस पूरे प्लैनेट के लिए बहुत बड़ा है। यदि एक बाघ के नीचे मिलियंस स्पीशीज सर्वाइव करती हैं, तो जहाँ बाघ है वहाँ खुशहाली है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत दुरुस्त है। हमारा देश दुनिया के सबसे ज़्यादा बाघों का घर है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है और इसको बचाने का सबसे ज़्यादा अभियान जो एक प्रोग्रेसिव वे में चला है वो हिंदुस्तान में चला है और उत्तर प्रदेश में चला है, जहाँ इतनी आबादी होने के बावजूद इतने सारे बाघों को वहाँ पे बचाया जा रहा है। ये वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनके अधिकारी और फ्रंट लाइन स्टाफ वालों का एक बहुत हौसले वाला काम है और यूपी की जो आँख है, जो गोल्डन आँख है, जिसमें पीली भील, कतनिया घाट, दुधवा, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये अपने आप में ही दुनिया के सबसे विशेष एनवायरमेंटल हैबिटेट्स में आता है। तो आइए इन सब को, हमारी धरोहर को, हमारे राष्ट्रीय पशु को और हमारे सिंबल को, बाघ को बचाएं और इसमें सबका योगदान बहुत जरूरी है। देखिए आज 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस गोरखपुर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में एक बृहद आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि ट्रांस बॉर्डर कॉपरेशन, जो कि इंडिया से सटी हुई ऐसी देश हैं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, और उनके साथ मिलकर बाघ संरक्षण के लिए एक नई पहल की जा रही है, और इसमें जो है अलग अलग प्रोग्राम होंगे जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आशीर्वचन,
और उसके साथ ही जो माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ आए हैं उनके द्वारा किस तरह बाघ संरक्षण में प्रदेश सरकार कार्य कर रही है उसके बारे में बताया जाएगा। इसी के साथ साथ अलग अलग गोष्ठी संगोष्ठी और चर्चा विभिन्न मुद्दों पर की जाएगी। आप देख रहे हैं कि सभी स्कूलों से यहाँ पर बहुत मात्रा में बच्चे आए हैं और सभी बहुत एक तरह से उत्साहित हैं इस प्रोग्राम को मनाने के लिए। और यहाँ हम लोगों ने अलग अलग प्रदेश के विभिन्न स्तरों से जो एक उनके उत्पाद हैं जैसे कि ODOPM जिसे कहते हैं, गोरखपुर से टेरा कटा हुआ हमारे एक बांस के उत्पाद है जिसमें इस बार हम लोगों ने बांस की राखियाँ बनाई हैं। इस तरीके से 12 स्टॉल जो है प्रदेश के विभिन्न स्थलों से आए हुए लोगों ने लगाई हैं। इसी को हम लोग जो है वृद्ध स्तर पर बाघ संरक्षण का संदेश देते हुए जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।